गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बायबैक की ये प्रॉब्लम है और इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए। इसमें हमें कंडीशंस देखनी है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है SMM लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 मार्च 2017। दो सिचुएशन दिए हैं, दोनों में चेंज क्या हो रहा है? डेट चेंज हो रहा है, देखिए लोन फंड चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी। यस, सो द कंपनी हैज ऑफर्ड अ बायबैक प्राइस ऑफ ₹30 पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन बोथ द सिचुएशन एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज। ओके, तो पहले तो हमें यह देखना है कि भाई कितने शेयर हम बॉट बैक कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें जनरल एंट्रीज पास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बताएं। इट इज स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। ठीक है जी, दो सिचुएशन है। एक है सिचुएशन वन और एक है सिचुएशन टू। दोनों सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है, लोन इसमें है 3200 करोड़ का और इसमें लोन है 6000 करोड़ का। आपको पता है कि हमें इसमें तीन टेस्ट पास करने होते हैं। एक है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप देखिए कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने हैं। एग्जिस्टिंग है हमारे पास 120 करोड़ है। यस, 120 करोड़ का 25% करेंगे तो दोनों ही केसेस में 30 करोड़ शेयर्स आप खरीद सकते हैं। दूसरा है आपका रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में मैक्सिमम रिसोर्स टू बी यूटिलाइज्ड ये हो सकता है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, अब आप देखो आपके पास पेड अप कैपिटल कितनी है। पेड अप कैपिटल है आपकी 1200 और फ्री रिजर्व आप ऐड कर लीजिए। पेड अप कैपिटल है 1200 और फ्री रिजर्व में ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं ऐड होगा तो ये आ गए 1680। तो टोटल हो गया 2880। तो मैक्सिमम रिसोर्स ये हो जाएगा 2880 का 25% यानी कि 720। ठीक है जी, बायबैक प्राइस कितनी है। बायबैक प्राइस है ₹30 पर शेयर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ये आएंगे 720 / 30 तो 24 करोड़। यस, अब आ गई अब तीसरी बात। तीसरा होता है डेब्ट इक्विटी टेस्ट।
डेप्ट इक्विटी टेस्ट के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पेज पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है जी, यहां सिचुएशन वन और ये है सिचुएशन टू। डेप्ट है और लोन फंड वो हमारा है यहाँ पर 3200 करोड़ और 6000 करोड़। मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक 2 कितनी रखनी पड़ेगी? 3। अगर मेरा डेप्ट 6000 करोड़ का है तो मुझे 3000 करोड़ की तो बायबैक के बाद रखनी है। ठीक है जी, प्रेजेंट इक्विटी कितनी है मेरी? 2880 करोड़। सो सरप्लस इक्विटी कितनी है? इसमें तो कोई भी नहीं है, इसमें मेरे पास है 1280 करोड़। ठीक है, सरप्लस इक्विटी दैट इज कैपिटल एंड रिजर्व, ठीक है, टू बी यूटिलाइज फॉर बायबैक एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब आप यहाँ पर आ जाए, आप लिखें कि लेट दी नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक एक्स है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब हो गया 10 रुपये पर शेयर से। तो बायबैक प्राइस क्या होगी? 30 रुपये से 3x, ये सुनो, ये अगर ये x है तो ये 3x होगी। ठीक है, सो और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट करना पड़ेगा? ये नॉमिनल वैल्यू के लिए करना पड़ेगा, ये x हो गया। तो इसका मतलब है जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 4x, दैट इज 4x इज इक्वल टू 1280। मेरे पास 1280 ही तो हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो x कितना आएगा? 320, दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक इज 320 करोड़ एंड बायबैक प्राइस क्या आ जाएगी? 960 करोड़। और यही अमाउंट वो होगी जो ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है जी, ओके, सो नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक, या तो आप 320 करोड़ से करो तो 10 रुपये से डिवाइड कर दो, और अगर आप 960 करोड़ से करो तो 30 रुपये से डिवाइड करोगे। दोनों ही केसेस में ये अमाउंट निकलेगी 32 करोड़। सो वर्किंग नोट से ये हमारी 32 करोड़ अमाउंट निकल आई।
लिस्ट ऑफ द अबव, ये हमारा है 24 करोड़ और यही हमारे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। 24 करोड़ हम खरीद सकते हैं, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, इसमें तो नील है ना, दूसरे केस में तो नील ही है ना, ठीक है यस। अब हमें जनरल एंट्रीज बनानी है तो हम जनरल एंट्रीज बना लेते हैं। रुपीज इन करो, चलिए सबसे पहली एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 करोड़ से, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट होगा 480 से, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 720 रुपये से। फिर दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 720 से। अब तीसरी एंट्री आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है और है तो उसमें आप ये प्रीमियम ट्रांसफर कर दें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 से, 480 का है ना हमारे पास, तो बाकी जो पड़ रहा है वो हम जन रिजर्व से डेबिट कर लेंगे। जन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80 टू प्रीमियम ऑन बायबैक और चौथी एंट्री हम करेंगे जन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फेस वैल्यू ऑफ, ठीक है जी। ये 240 करोड़ इस तरीके से ही हमारी जनरल एंट्रीज बनेंगी और आई होप हमसे सिर्फ जनरल एंट्रीज ही बोली थी तो हमने कर दी। चलिए थैंक यू वेरी मच।